हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के हमारे वर्ल्ड सन सिटी में। सो गाइस यार कितने दिन के बाद हम माइनक्राफ्ट में आ चुके हैं। और मेरी वीडियो मतलब कि माइनक्राफ्ट की क्यों नहीं आई थी, क्योंकि यार मैं कुछ बना रहा था माइनक्राफ्ट में और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, मतलब कि वही मैं बना रहा था वो सरप्राइज़। सो गाइस रिवील कर दो आपके सामने, 3, 2, 1 डैडी। सो गाइस यार मैं हाउस है ना, मतलब कि नहीं मैं हाउस बना रहा था। सो गाइस और यार आप लोग देख सकते हैं, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास मतलब कि लामा कैसे आई। तो एक ट्रेडर आया, उसको मैंने मारा और उसकी लामा को मैंने इधर बांध दिया, और एक घोड़ा मुझे मिला था तो एक लीड रह गई थी। लीड मिलती है ना उनको बांधने, तो मैंने एक घोड़े को भी लीड से बांध दिया, लेकिन इसका सैडल आएगा तभी मैं इस पर बैठ सकता हूँ। और ये मेरा डॉग, यार मैं आपको मेरे डॉग से मिलवाता हूँ। ये डॉग मुझे कैसे मिला था कि मैं ना जंगल में पेड़ तोड़ने जा रहा था और ये डॉग यार मिल गया मुझे, और मैंने इसको बोन खिला के टेम कर दिया, थोड़ा खाना भी खिलाया। तो गाइस यार आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरा एक होम जो मैं बनाने में इतनी मेहनत कर रहा था, देखिए क्या लग रहा है अभी। सो आपको मैं टूर करवाता हूँ अपने मतलब कि होम की। तो सॉरी मेरी वीडियो नहीं आई थी मतलब कि माइनक्राफ्ट की, क्योंकि यार मैं ये सब बना रहा था, लेकिन अब से आ जाएगी। ये मेरी गाय मतलब कि काव, और उसके पीछे है मेरे चिकन्स मतलब कि वो क्या उसको बोलते हैं, चिकन्स मतलब कि मुर्गे। और इस साइड में है हमारी शीप्स मतलब कि बकरियाँ, ये देखिए। और इस साइड में है हमारे पीग, पीग मतलब कि वो भाई छोड़िए पीग का पीग। तो भाई ये टॉर्च किधर से मेरे पास आ गई, पहले मैं लगा लेता हूँ, इधर से टूटी इधर लगा लेता हूँ। और मेरा डॉगी ये मेरे पीछे पीछे भी आता है गाइज। और गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास ये देखिए, आप भी आपको अंदर का टूर कराता हूँ। तो ये है बाहर का टूर, इधर मेरे जो मतलब कि वेजिटेबल्स हैं वो उगे हुए हैं। लेकिन एक सेकंड मैं आपको एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, पीछे भी है थोड़ा। तो गाइज ये देखिए ये मेरे फार्म है, ये है गाजर का फार्म मतलब कि कैरेट का फार्म। और इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ वीट का फार्म है, और ये दो वीट के फार्म है, और इधर एक कैरेट मतलब कि गाजर का फार्म, और पम्पकिन का फार्म भी है। ये देखिए इधर ये पम्पकिन का है और वो उस तरफ गाजर का। और अभी आपको ले चलता हूँ मेरे वीट फार्म के पास। सो गाइस ये देखिए मेरा वीट फार्म आपको दिख रहा होगा। ओह वापस एक ट्रेडर आया, ये देखिए ये रहा इसके पीछे वो रहा, लेकिन अभी हमें नहीं। और ये देखिए मेरा वीट। और अब मैं आपको ले चलता हूँ हमारे मेन जो घर है उसके अंदर। बहुत सो गाइस यार बहुत मतलब कि अच्छा है, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। सो गाइस यार अभी मैं ले चलता हूँ आपको मेरे घर में। तो इस साइड में हमारा जो कैरेट का फार्म होता है वो उस साइड में शुगर केन्स है, पानी के पास ही लगता है क्योंकि शुगर केन्स। और इधर वीट फार्म है मतलब कि हमारे जो घर पे। और ये सामने का इधर हमारी एक बालकनी है छोटी सी, इधर से हम व्यू देख सकते हैं भाई बाहर के नज़ारे का, जो हमारा फार्म है इधर से दिख रहा है। और ये है हमारा बेडरूम, तो नहीं कह सकते बेडरूम है ये हमारा मतलब कि छोटा सा। और इधर मैं सामान रखने वाला, ये फ़ोटो फ्रेम है, इस पर मैंने लगा लिया है तो मुझे पता चले कि किस में क्या कौन सी चीज़ रखनी है। और ये देखिए इतना मेरा जो घर हो गया वो, और उस तरफ भी एक बालकनी है ये रही। और अब मैं आपको ले चलता हूँ नीचे वाले फ्लोर पर। तो नीचे भी हमारा एक फ्लोर है, ये सीढ़ी है उधर नीचे जाने के लिए। नीचे तो बहुत सारे कमरा है, ये देखिए ये एक कमरा इस साइड में जा रहा है, ये देखिए पूरा एकदम अच्छा। और इस साइड में एक कमरा जा रहा है जो लिविंग रूम जैसा, मैंने ऐसा सोच के नहीं रखा कि ये बेडरूम है, वो सब वो बाद में सोचेंगे। और इस साइड में है हमारा मतलब कि ये इधर भी एक कमरा है, और ये हो गया हमारा एक बड़ा सा रूम इधर इस तरफ। और यार अच्छा है अभी रूम तो है ना, मतलब कि अच्छा ही होगा। सो गाइस चलिए अभी चलते हैं ऊपर। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या हुआ है कि मैंने ये बना रहा था और मैंने उस साइड पे सामान लगाया था हमारा, उस साइड देखिए मैं एम करूँगा, देखिए उस साइड जिधर में ये क्रॉस है ना उधर मैंने बेड वो सब लगाए थे। ये बना रहा था तभी, क्योंकि ये बना नहीं था ना तभी, तो बना रहा था तो यार उधर एक क्रीपर आ गया और मेरा सारा सामान चला गया, लेकिन बन गया था सब कुछ उसके बाद में ये सब हुआ। क्रीपर आ गया तो मेरे सारा सामान फट गए, और अभी मुझे वापस मतलब कि वो सब लेने जाना होगा।
सो गाइस आज हम वापस करने वाले हैं वो सब। तो गाइस स्टार्ट करते हैं यार आज की वीडियो। तो आपको कैसा लगा मेरा हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना मुझे। तो गाइस चलिए अभी निकलते हैं बाहर और थोड़ा अभी चलते हैं पेड़ तोड़ने। तो पेड़ तोड़ने पहले तो हमें जाना होगा तो उस साइड में। सो गाइस यार मैं अभी आ चुका हूँ और मैं ये वुड तोड़ लेता हूँ जल्दी से और ये तोड़ के यार मुझे जल्दी क्राफ्टिंग टेबल तो मेरे पास है लेकिन बना देता हूँ और सब भाई रीस्टार्ट करना होगा। मतलब कि रीस्टार्ट तो नहीं लेकिन मेरे पास पूरा सामान ख़त्म हो चुका है। कॉबलस्टोन बॉबलस्टोन सब गया, प्लैंक्स भी गए, कुछ भी नहीं बचा, खाने का भी चीज़ नहीं बची। लेकिन वीट है ना हमारे पास तो उससे हम ब्रेड बना सकते हैं और हमारा घर बहुत सुंदर लगता है यार एकदम। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। किस किस को अच्छा लगता है, जिस जिसको मेरा होम अच्छा लगा वो इस वीडियो के लिए प्लीज़ भूले बिना एक लाइक का बटन तो दबा के जाएगा प्लीज़ यार गाइस। मैंने इतनी मेहनत करके बनाया और मेहनत भी कितनी लगी, 3 दिन, मतलब कि पूरे कितने दिन हो गए, 3 दिन नहीं कितने भाई साहब, इतने सारे दिन हो गए साहब सब कुछ बनाने में और वो भी सर्वाइवल। बाप रे हालत ख़राब हो गई थी मेरी तो। और एक स्वॉर्ड बना लेते हैं, एक नहीं पिकैक्स और एक एक्स बना लेते हैं बस, स्वॉर्ड मुझे नहीं बनानी थी। तो गाइस चलिए फटाफट से हम चलते हैं अभी जो कॉबलस्टोन है उसको माइन करने। तो सामने वो मतलब कि ये पहाड़ है उस तरफ हम चलते हैं पहले मैं। हाँ तो गाइस चलिए फटाफट से चलते हैं और दूर जाके हम हमारा जो कॉबलस्टोन है वो खोदते हैं। और आज हम थोड़ा माइनिंग करने भी जाने वाले हैं। कोल वो सब भी मेरा ख़त्म हो चुका है क्योंकि इतना सब बनाने में भाई हालत ख़राब हो गई थी। तो अभी पहले चलता हूँ उस तरफ। तो गाइस यार मैंने मतलब कि 3 कॉबलस्टोन माइन कर दिए और उधर हमारा यार हाउस कितना अच्छा लग रहा है। मतलब कि मेरा जो घर है वो इतना अच्छा लग रहा है यार क्या कहूँ। और लेकिन अभी अच्छा ही है। तो पहले तो मैं एक पिकैक्स बना लेता हूँ स्टोन की। अभी स्टोन की पिकैक्स बना के जल्दी से मैं थोड़ा मतलब कि कॉबलस्टोन ले लेता हूँ। कितने ज़्यादा थोड़े लेने होंगे क्योंकि यार अभी थोड़ा रख देता हूँ सब संभाल के। अभी मैंने बना ही लिया इतना अच्छा घर और ये सब मुझे माइनिंग करने भी जाना है। अभी तक तो मेरे पास डायमंड भी नहीं आया है लेकिन इतना सब बनाया तो उसमें यार कितनी टाइम लग गया। तो यार गाइस सब्सक्राइब, वो रेड कलर का जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करिए, फिर उसके बाद में एक बेल आइकॉन आएगी उसको भी क्लिक कर दीजिएगा तो मेरी आने वाली वीडियोज़ का आपको पता लग जाएगा। तो गाइस चलिए अभी मैं जल्दी से खोद लेता हूँ मतलब कि जो कॉबलस्टोन है वो, मतलब कि पत्थर उसको हिंदी में बोलते हैं कॉबलस्टोन को। और जल्दी से ले लेता हूँ ऐसे यार मुझे मतलब कि कोल मिल चुका है कॉबलस्टोन माइन करते करते, मैं ऐसा बोलने वाला था लेकिन क्या हुआ गलती से यार वो मेरा जो है ईयरफोन है वो निकल गया क्योंकि यार मेरे कान भी इतने मतलब कि छोटे हैं थोड़े से। और जल्दी से यार इस तरफ से मैं कोल भी माइन कर लेता हूँ और आपको मेरी आवाज़ परफेक्ट आ रही होगी क्योंकि मैंने ईयरफोन पहने हैं। ईयरफोन मुझे पता चल गया था कि ईयरफोन पहनते हैं ना तो हमारा आवाज़ ज़्यादा आता है, नहीं बराबर आता है क्लियर एकदम, क्योंकि क्या मैं जब भी बोलता हूँ तभी बराबर आवाज़ नहीं आता, उसके लिए मैंने ये सोचा है। और अभी जल्दी से कोल भी ले लेता हूँ फटाफट से। सो गाइस यार मैंने फटाफट से अभी मतलब कि कॉबलस्टोन माइन कर लिए हैं, अभी हम जाते हैं वुड इकट्ठा करने। तो वुड के लिए हमें एक एक्स बनानी होगी, एक स्वॉर्ड बनानी होगी, बंजा स्वॉर्ड, और यार थोड़ी स्टिक्स बनानी होगी। जल्दी से फटाफट से मैं जाके इधर से स्टिक्स भी बना लेता हूँ। और अभी पिकैक्स मैंने बना ली क्या, नहीं नहीं बनाई, ये पिकैक्स बन गई और हमारी एक शवल बस इतना, और एक होम बनाती थी तो उसके लिए अभी मुझे थोड़े मतलब। तो गाइस यार अभी चलते हैं हम मतलब कि जो पेड़ है ना वो तोड़ने चलते हैं जल्दी से। और अभी मैंने कॉबलस्टोन यार 60 हो गया, मैंने माइन कर लिया और हमें भूख भी लगी है तो हम जाएंगे। वो ट्राइडेंट फेंक रहा है क्या कोई हमारे ऊपर, तो ट्राइडेंट ही होता है लेकिन नहीं फेंक रहा है, नहीं फेंक रहा। तो अभी थोड़ा सा मतलब कि हम प्लैंक्स इकट्ठा कर लेना, मतलब वुड मतलब कि लकड़ा वो इकट्ठा कर लेते हैं। ओ भाई ट्राइडेंट, ट्राइडेंट किसी ने देखा, मैंने देखा किधर 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 लगा दूंगा जैसे तो फेंकेगा ना, किधर से फेंका तो भाई उधर एक ट्राइडेंट वाला है लेकिन यार उससे अभी मैं नहीं लड़ सकता। तो वैसे चलिए सोने चलते हैं, रात हो रही है अभी होने वाली है मतलब कि। ओ भाई बच गया, अभी जाता सीधा गुफा के अंदर। और तो गाइस चलिए जल्दी से चलते हैं यार घर में, मैं सो जाता हूँ थोड़ा और रात होने आई है क्योंकि हमारा क्या लग रहा है यार आलीशान बंगला लग रहा है एकदम, लेकिन अच्छा है जो भी कहो यार मैंने जितनी मेहनत इस पर की है ना भाई, मेरा पूरा सिर दर्द कर रहा था लेकिन तो भी मैंने इसको इतनी मेहनत से बनाया तो यार
अच्छा तो लगेगा ही ना। तो अभी फटाफट से सो जाता हूँ अंदर जाके और सो जाता हूँ। तो गाइस यार अभी सो रहे हैं हम लोग और सुबह हो गई है और सूरज अभी उग रहा होगा इधर से, तो हम बालकनी में से देख सकते हैं। देखिए वाह यार क्या नज़ारा है। और अरे किधर से आ गया यार ये ट्रेनर इधर से यार चला जाना। वो भाई अच्छा लग रहा है यार, सुबह हो रही है हमारे घर में। और सो गाइस चलिए अभी थोड़ा मतलब कि मैं जो हमारा मीट वो सब है वो तोड़ लेता हूँ, क्योंकि खाने की रिसोर्स चाहिए होगी। गाजर तोड़ लेता है क्योंकि अभी वीट तोड़ने में थोड़ी देर हो जाएगी। नहीं दोनों तोड़ लेते हैं, पहले थोड़ी गाजर तोड़ लेता हूँ मैं जल्दी से और उगा भी देता हूँ फिर तोड़ के जल्दी टूट जा खा लेता हूँ पहले थोड़ी सी खा लेता हूँ जल्दी खा ले भाई जल्दी। तो गाइस यार सारी गाजर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आई है, बस अभी ये थोड़ी बची है इसको भी ले लेता हूँ और इस साइड थोड़ी बची है और ये एक तो नहीं होगी ना, अभी थोड़ी देर लगी। और इधर मैंने हॉपर लगाया तो मैं इधर से डायरेक्ट मतलब कि नीचे डालूँगा तो नीचे गिर जाएगी क्या गाजर। अभी मैं लगा भी देता हूँ फटाफट से। तो गाइस यार चलिए अभी जल्दी से मैं मीट भी मतलब कि तोड़ लेता हूँ जल्दी और लगा भी देऊँगा जल्दी से भाई। टूट जा तुझा 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 जल्दी जल्दी की तुझा। तो भाई मैंने वही फेंक दिया पूरा स्टैक, वो ले लेता हूँ अभी बाद में। और ये मतलब कि और जल्दी से यार ले लेता हूँ जल्दी आ जा। ये इधर से मुझे भाई कितनी मीट मिली, कम मिली है कि ज़्यादा? ज़्यादा मिली है थोड़ी। तो गाइस चलिए अभी मैं कर लेता हूँ जल्दी से। ये और मैंने तोड़ दिया वो, लेकिन वो वापस लगा दूंगा। तो गाइस यार मैं फटाफट से मतलब कि ये शुगर केन भी तोड़ लेता हूँ, ऊपर वाला ही तोड़ता हूँ, नीचे तो मुझे रखना है ना, तो नीचे का तो कहीं तोड़ सकता। ये इधर से तोड़ लिया, अभी उस साइड का भी तोड़ देता हूँ। और इधर मैंने सीड्स वापस लगा दिया, अभी उस साइड के शुगर केन भी तोड़ देता हूँ। इधर से मैंने तोड़ दिया केबल में और इस साइड से भी तोड़ देता हूँ, ये टूटा और ये टूटा। और अभी ये भी मिल गए, थोड़े कम मिल रहा है लेकिन चलेगा जो जितने मिल रहा है वो। इधर उग चुका है वापस एक बार, इतना जल्दी जल्दी कैसे उग रहा है, लेकिन अच्छा है हमारे लिए तो जल्दी उगे तो और भी। तो भाई आजा मिल जा फ्लैट होगा। तो अभी पीछे वाले पाप भी जाके तोड़, ये घोड़े का बच्चा है ये नहीं, ये छोटा इस पर बैठ सकता नहीं बैठ सकता, ऑप्शन नहीं आ रहा। ओ भाई बुरी नज़र वाले तेरा मुँह खा रहा यार ये भाई खा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है मतलब कि ऐसा नहीं कहते घोड़े को, मतलब कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ। ट्रेडर रुक जा, क्या क्या ट्रेड कर रहा है बता तो सही। हाँ 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 ऐसा बोल रहा है ये सैंड और ये एक एमरल्ड में, ये फिर कैल्प ये यार हाँ हाँ घटिया डील हाँ हैं हाँ हाँ ये ले तू भाई घटिया डील करेगा मेरे सामने। तो गाइस यार इस मतलब कि इस फार्म पे तो अभी तक कोई जो वीट है वो उगी नहीं है, तो मैं इन लोगों को मार लेता हूँ अभी, क्या कर सकते हैं और भी। तो अभी जल्दी से हम जाते हैं और इसको यार चलो मर जाओ मर जाओ, थूकती है मेरे पे ये ले ये ले ये ले मेरे पे थूकती है थूकती है लामा है ना। तो ऐसे अभी जल्दी से मैं वो मतलब कि प्लैंक्स इकट्ठा कर लेता हूँ। तो गाइस यार और मैंने यार इधर एक पम्पकिन होने के लिए रखा था, एक ही हुआ है, लेकिन अभी रहने देते हैं और चलते हैं जल्दी से। और इन लोगों को थोड़ा खाना खिला देता हूँ, चिकन्स को और वो सबको। ये लो जल्दी इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार क्यों नहीं रहे जल्दी। तो ये फूड पे मैं क्लिक करूँगा और सब खाएंगे और दूसरे मतलब कि ब्रीडिंग करके फिर दूसरे आ जाएंगे जो भी मतलब कि चिकन्स है। ये लो खाओ 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 खाना खाओ 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 खाओ। ओ भाई ये क्या, ओ भाई इसमें एनिमेशन मस्त है ना माइनक्राफ्ट में। ये लो खाओ 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 खा लो जल्दी, ये लो बटन दबा रहा हूँ क्लिक कर रहा हूँ मतलब कि। और तो गाइस यार ये गाय है ना ये वीट खाती है, तो हमें इनको वीट खिलाना होगा और हम इनको वीट दिखाएंगे ना तो ये हमारे पीछे भी आते हैं। और तो गाइस शीप है ना वो भी वीट खाती है, तो इनको भी वीट खिला देता हूँ।
और ये पीक तो भाई मतलब कि वो खाता है, वो क्या उसको पटेटो, पटेटो तो हमारे पास नहीं है, तो अभी छोड़ते हैं वो सब बात और चलते हैं प्लान का इकट्ठा करने। तो गाइस यार सॉरी, पटेटो नहीं गाजर खाते हैं, हाँ हाँ मुझे याद आया अभी, और जल्दी से मैं पेड़ भी तोड़ देता हूँ। और गाइस यार अभी मैं पेड़ तोड़ देता हूँ जल्दी से, और ये पेड़ मैं मतलब प्लैंक इकट्ठा कर लेता हूँ जल्दी से। और यार क्या हुआ कि अभी यार मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ मतलब कि, और तो सॉरी यार मैं बराबर बोल नहीं रहा हूँ सॉरी। और भाई एक एप्पल मिल गया है पेड़ में से, यार हमें एप्पल्स भी मिलते हैं पेड़ से, पेड़ है ना पेड़ उससे गिरते हैं। और माइनिंग करने हम जाने वाले हैं अगली वीडियो में, तो गाइस अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, और वो वीडियो मतलब कि आएगी अभी थोड़े दिन के बाद। और अब आने वाली एक बैंटन की वीडियो जो शनिवार को आने वाली है, तो शनिवार को वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। और ये आ रही है मंगलवार, मतलब कि मैं इस हाँ बराबर है बराबर मंगलवार को आएगी बराबर। तो गाइस जल्दी से मैं प्लैंक तोड़ लेता हूँ। तो गाइस यार मेरे पीछे अभी वीच पड़ चुकी है, और वो ये देखो हो रही, ये मतलब कि चुड़ैल होती है बीच मतलब कि। और यार इधर एक घोड़ा है, अरे ये तो नहीं है मेरा घोड़ा, मतलब कि पहले मुझे ऐसा डॉट वाला चॉकलेट डॉट, ओ भाई ये आवाज क्या है एकदम बिजली जैसी गाइस, आपने सुनी क्या? सुनाई दे रही होगी भी कि नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा मतलब कि थोड़ा रीस्टार्ट करके थोड़ा सा, एकदम बिजली जैसी वैसी आवाज आई। तो गाइस चलते हैं, और कैसे लगी आपकी वीडियो? हाँ यार गाइस ये देखिए मेरा घर एकदम अच्छा था, अभी अंदर चलते हैं और अंदर जाके मैं थोड़ा बैठता हूँ। तो गाइस यार अभी मैं ना वीट की टेस्ट में वीट नहीं, अभी यार ऑर्गेनाइज करूँगा तो मतलब कि टाइम तो नहीं होगा, मतलब कि क्या हो जाएगा कि बाद में, क्योंकि इधर से फिर डायरेक्ट मिल जाएगा ना हमें सब सामान। तो गाइस यार वीट जी आ चुके हैं, अरे वीट जी आपको क्या हुआ? मेरे पीछे पीछे भाई चुड़ैल देखो मेरे घर से निकल जाओ। तो गाइस मैं इससे क्यों डर रहा हूँ, क्योंकि ये ना पोषण फेंकती है हमारे पर जहरीला, यार ये मुझे डरा रही है। ए वीच देख मेरे खेतों पे मत चढ़, वरना मैं अभी बाहर आके मार गया, लेकिन अभी मेरे पास कुछ चीज भी नहीं है, निकल इधर से। अरे वीच भी यार मुझे काम कर रही है, और अभी सूरज मतलब कि डूबने ही वाला है, उस तरफ उस साइड डूबेगा ना सूरज से। तो यार मैं अभी मतलब कि गाइस कैसी लगी आपको वीडियो यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगली वीडियो में हम जाने वाले हैं माइनिंग करने के लिए, और ये हमारा घर था भाई, मैंने आपको दिखाया बन चुका है, अब इसकी वीडियो आ जाएगी माइनक्राफ्ट की। तो और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मुझे उम्मीद है तो लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और तब तक ऐसे दर्शन वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।